एक्ने स्कार मैंने बहुत अच्छे से रिमूव किया है, 100% रिजल्ट मिलता है एक्ने स्कार ट्रीटमेंट। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैंने कुछ टाइम पहले ही, मतलब 3 मंथ में भी हो गया होगा, मैंने अपने एक्ने जर्नी का शेयर किया था वीडियो। तो वहां पे बहुत सारा ऐसा कमेंट था कि आपने अपने एक्ने स्कार को कैसे हील किया है, कैसे ठीक किया है। तो आज के जो वीडियो है वो है मेरे एक्ने स्कार को मैंने कैसे रिमूव किया है। सो गाइस, एक्ने स्कार जो है उसके बारे में बताने से पहले मैं एक चीज आप लोगों के साथ मैं पहले क्लियर कर दूं, एक्ने स्कार और ओपन पोर्स दोनों एक जैसा नहीं है। आपने सुना होगा कि बड़े बड़े ओपन पोर्स, ऐसा कुछ एक्ने स्कार है और ओपन पोर्स है। ओपन पोर्स एक्ने स्कार नहीं है, बहुत सारा लोगों का कंफ्यूजन रहता है। बट एक्ने स्कार जो होता है वो है आपका जो खड्डा खड्डा हो जाता है, जैसे मेरा था। मुझे लोग पहले, मतलब मेरा स्कूल टाइम पे मुझे तो ऐसे ही चिढ़ाते थे कि तेरा खड्डा है, खड्डा है, खड्डा खड्डा। बहुत कोई ये भी बोलते थे खड्डे में ये डाल ले, वो डाल ले, क्योंकि मेरा इतना मतलब एक्ने स्कार था। तो मेरा क्लास 7 से जैसे मेरे एक्ने शुरू हो गया था, तो मेरे एक्ने स्कार भी शुरू हो गया था। और मेरा एक्ने स्कार का जर्नी 1-2 महीना का नहीं है, ना 3 मंथ का है, ना 6 मंथ का है, पूरा 10 साल। यस गाइस, पूरा 10 साल का एक्ने स्कार का मेरा जर्नी है। क्योंकि क्लास 7 से जैसे कि मेरा पिंपल्स होना शुरू हो गया था, तो तब से ही थोड़ा 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 करके एक्ने स्कार भी शुरू हो गया था। सो गाइस, एक्ने जो स्कार है इसके लिए कौन सा क्रीम लगाए, कौन सा ट्रीटमेंट करे, कौन सा सीरम लगाए या फिर कौन सा फेस पैक लगाए, तो पहले एक बात बता दूं, फॉर माय पर्सनल एक्सपीरियंस कुछ नहीं होता है एक्सेप्ट ट्रीटमेंट। कोई भी क्रीम, कोई भी फेस पैक, कोई भी फेस वॉश, सनस्क्रीन, फलाना ढमकाना, या फिर जो भी वीडियो देखते हो ना कि 7 दिन में एक्ने स्कार रिमूव हो जाएगा, 3 मंथ में रिमूव हो गया है, 2 मंथ में, झूठ बोला जाता है, कुछ नहीं होता। इनफैक्ट जिसको एक्ने स्कार एक्चुअल में है वो मेरे बात से एग्री तो जरूर होंगे, कमेंट करके जरूर बताना है। ऐसे वीडियो देख के ट्राई तो किए होंगे, कुछ हुआ, कुछ नहीं हुआ, डिसअपॉइंट ही हुए होंगे। यस, मैं भी तो हूँ उस आप में से एक, मैंने भी ऐसा किया है। सो गाइस, मेरा जो एक्ने स्कार है, तो पहले तो मैं सीधी बात बोलती हूँ, एक्ने स्कार ठीक हो जाएंगे बट 80% होंगे, 20% नहीं होंगे, ये रियलिटी है। ये एक बात पॉइंट क्लियर हो गया। तो एक्ने स्कार को ठीक कैसे किया जा सकता है, तो मैंने जो किया मैं आप लोगों को वो सारी चीज बता देती हूँ। ओके, सो पहला है कि मेरा एक्ने स्कार ठीक हुआ है ओनली ट्रीटमेंट से, क्योंकि एक्ने स्कार जो होता है ज्यादातर हमारे चिक पे होता है और यहाँ तक आता है। ओके, डिपेंड करता है, किसी किसी का इधर भी आ जाता है, तो मेरा जो हुआ था मेरा ऐसा करके यहाँ तक। ओके, तो मेरा एकदम बहुत ज्यादा छेदा छेदा था, पूरा एकदम खड्डा खड्डा, दूर से देखते थे तो लगता था पूरा दो तरफ पूरा नेट बन गया, मतलब छेदा छेदा खड्डा खड्डा, बहुत ही गंदा लगता था। क्रीम लगाओ तो घुस जाता था, इतना खड्डा था। फिर फाउंडेशन लगाओ तो और ज्यादा भयंकर लगता था, पूरा और ज्यादा बड़ा बड़ा दिखता था। तो बहुत ज्यादा बेकार एक्सपीरियंस रहा है मेरा। एंड मैंने अपना ट्रीटमेंट शुरू किया था फर्स्ट ईयर में, जब मैं कोलकाता में आई थी, क्योंकि मैं बहुत ही छोटा सा सिटी में रहती हूँ जहाँ पे ये सारे चीज अवेलेबल नहीं होते, ट्रीटमेंट वगैरह। हॉस्पिटल वगैरह तो है और जो मेडिसिन जो होता है वो सारी चीजें, पर ट्रीटमेंट नहीं होता है। तो जब मैं पीजी में रहती थी, वहाँ पे नियर में एक बहुत बड़ा डॉक्टर था, स्किन डॉक्टर, तो मैंने वहाँ पे बहुत सारा फोटोज वगैरह देखा था, तो एक्ने स्कार का ऐसा देखा था। सो मेरा तो हमेशा से वही, मतलब जब से मैंने होश संभाला है, मेरे एक चीज था कि कैसे मैंने खड्डे को ठीक करना है, ऐसा ही था। तो मैं पहले गई डॉक्टर के साथ बात किया, तो उन्होंने मुझे पैकेज बोला, मुझे बोला 6 पैकेज में 35,000। तो मेरा जो फर्स्ट ट्रीटमेंट था मेरा लाइफ का एक्ने स्कार का, तो वो था आपका डर्मा रोलर। तो डर्मा रोलर था मेरा फर्स्ट ट्रीटमेंट। तो मैंने पापा को फोन किया, पापा को बोला, तो आपको पता है मिडिल क्लास बोले या फिर कोई भी जिसके घर पे बेटी है यार, ऐसा अगर कुछ प्रॉब्लम है स्किन से रिलेटेड, मम्मी पापा लोग तुरंत आपको सारी चीज़ ठीक करने में हेल्प करता है, बिकॉज शादी का बात होता है, टेंशन रहता है। तो मैंने बोला ऐसा ऐसा है, तो पापा बोले ठीक है पैसा देते हैं करा लो। तो मेरा फर्स्ट ट्रीटमेंट जो था
पहले तो डर्मा रोलर जब आपको करते हैं ना तो आपको बहुत ज़्यादा पेन होता है, मैं पहले ये बता दूं। और यहाँ पे सुन एक क्रीम लगा देते हैं तो मुझे कुछ हुआ नहीं, मुझे तो बहुत ज़्यादा पेन हुआ। एंड 35,000 जो आता है वो सिर्फ ओनली ऑन आपका ट्रीटमेंट का आता है, जो आपको जो फेस वॉश देता है, मॉइस्चराइजर देता है, सनस्क्रीन व्हाटएवर व्हाटएवर बहुत कुछ देता है, मेडिसिन भी खाने का देता है, वो सारी चीज़ का अलग अलग से आपका वो अमाउंट पे करना होता है। तो लगभग आपको 35,000 तो पहले दे दिए हो, एंड मंथली में जब आपको बुलाते हैं पूरा 21 दिन गैप गैप करके आपको बुलाते हैं, तो उस हिसाब से आपका सारी चीज़ ट्रीटमेंट होता है। तो फर्स्ट ट्रीटमेंट था, कुछ समझ में नहीं आया, एंड बहुत ज़्यादा मतलब उस टाइम आज अभी तो जब मेरा 1 साल भी नहीं हुआ है, मेरा जस्ट 4-5 महीना ही हुआ है, 4 महीना शायद हुआ है, मैं यूट्यूब कर रही हूँ, सो मेरा पहले का कुछ फोटोज़ वगैरह नहीं था, नॉर्मल सा बात है, उतना थोड़ी ना यूट्यूब जब करते हो तब तो ये सारी चीज़ कलेक्ट करते हो, अदरवाइज तो ये सारी चीज़ नॉर्मल हम लोग लाइफ में नहीं करते हैं। सो नहीं था, ऑनेस्टली कुछ नहीं है मेरे पास। तो मैं अपना एक्सपीरियंस जो बताऊं कि फिर मेरा फर्स्ट ट्रीटमेंट हुआ, बहुत ज़्यादा पेन होता है और एक सोल्यूशन रहता है रेड कलर का, उसको देख के आपको पूरा अच्छे से पूरा आपका जो खड्डा खड्डा रहता है पूरा उंगली से बहुत अच्छे से ना इसको ना पूरा एकदम अच्छे से मतलब दोनों साइड में लेके फिर उसको एकदम जोर जोर से एकदम आपको मतलब मैं ना वो सारी चीज़ मतलब दिमाग में आ रहा है तो मेरा अभी भी रुक कांप रहा है, क्योंकि इतना ज़्यादा पेन होता है और पूरा खून से लथपथ हो जाता है पूरा, क्योंकि आपको पता है ना माइक्रोरेडिंग का छोटा 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 सुई के जैसा होता है, दवा दवा के करते हैं और बहुत ज़्यादा खून भी निकलता है। सो यस गाइस, मेरा पूरा दोनों गाल खून से लथपथ पूरा लाल हो जाता, पीजी आती थी तो सारे लोग टोकते थे, तो मैंने वैसा करके सेटिंग लिया है 6 सेटिंग लेने के बाद मुझे कुछ समझ में नहीं आया, बट मुझे 5% रिजल्ट दिखा, बट आपको पहले ही बोलेगा कि 80% रिजल्ट मिल जाएगा, बट ऐसा नहीं हुआ, पर वो मेरा चैप्टर वहीं पे ख़त्म हो गया है, क्योंकि और पैसा नहीं था कि हर टाइम पेरेंट्स के माने, क्योंकि मेरा खुद का खर्चा पढ़ाई का रहता था। फिर धीरे धीरे जब मैं अपना काम करने लगी, फिर थोड़ा सा पैसा जोड़ने वोड़ने लगी, फिर जब मैं पीजी से शिफ्ट हुई हॉस्टल में, तो फिर वहाँ पे और एक डॉक्टर से मैंने कंसल्ट किया, वहाँ पे भी मैंने मेरा जो प्रोसेस शुरू हुआ तो वहाँ पे हुआ है कि माइक्रो नीडिंग। तो मेरा वो फर्स्ट टाइम फर्स्ट एक्सपीरियंस था, मैंने बोल दिया कि मैंने फर्स्ट टाइम क्या करवाया था, तो उन्होंने भी मुझे 6 सीटिंग का सजेस्ट किया, वो भी वही पैकेज है 35,000, एंड वही लेक्चर मारते हैं कि आपका 80% ठीक हो जाएगा। तो एनीवेज मैंने पैसा जोड़ जाड़ के जैसे भी करके है, क्योंकि ये बहुत गंदा लगता था देखने में, तो मैंने फिर वो करवाया, तो उसमें भी मुझे उतना खास तो रिजल्ट नहीं मिला, तो ये 6-7% ही मुझे समझ में आया कि हाँ थोड़ा ठीक हुआ, बस उतना ही, मैंने पूरा स्टॉप कर दिया। फिर कुछ टाइम बाद जब मैंने अच्छा खासा एक जॉब करने लगी, तो देन फिर मैंने अपना ट्रीटमेंट शुरू किया, सर्च किया कि अच्छा डॉक्टर और कहाँ पे, जैसे कि देखा जाए अच्छा डॉक्टर सभी है, बड़े बड़े डॉक्टर है, पर एक भी चीज़ और डिपेंड करता है कि आपका जो एक्ने स्कार है वो कितना, मतलब जैसे कि अभी सपोज किसी का हुआ है एंड देन वो अगर ये सारे ट्रीटमेंट करवाएंगे तो उसको बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेगा, किसी किसी का पुराना होता है तो उसमें टाइम लगता है, जैसे कि मेरा बहुत पुराना हो गया था। सो मैंने उसके बाद माइक्रो नीडिंग हो गया, एंड कि उसके बाद मेरा दो फिर 7-5 6-7% रिजल्ट मिला, फिर दूसरा डॉक्टर से मैंने करवाया था, वो करवाया था मैंने पीआरपी। तो पीआरपी में क्या होता है, पहले तो आपका ब्लड लिया जाता है, उसका सोल्यूशन बनता है पूरा सीरम जैसा, देन वही सीरम को इंजेक्शन के जो खड्डा खड्डा होता है वो इंजेक्शन के जैसा पुश किया जाता है, देन पुश करते हैं एकदम अंदर तक पुश करते हैं, जिससे हील होता है कोलेजन, आपका यहाँ का कोलेजन बनना शुरू हो जाता है, एंड उससे हील हो बहुत अच्छे से एक्ने स्कार को हील करता है। एंड ये जो ट्रीटमेंट है ये भी मैंने इसका जो थोड़ा सा एक्सपेंसिव था ये
45,000 का पैकेज था, सिक्स सीटिंग का, सिक्स सीटिंग का 45,000 था। एंड ये भी मैंने किया था, ये भी थोड़ा पेन, आपको यहाँ पे पूरा मतलब पेन तो होता है, हर एक ट्रीटमेंट में पेन होता है, नो डाउट। सो ये भी मैंने किया, तो इसमें मुझे 10% रिजल्ट दिखा। तो ऐसा करके मेरा पैसा मेरा बर्बाद, तो बर्बाद मीन्स पैसा तो जा रहा है पानी के तरह, एक्ने इसका ठीक करते करते। फिर एक गैप लिया, फिर मैंने दूसरा डॉक्टर से फिर दिखाया, तो वहाँ पे भी मेरा लेज़र ट्रीटमेंट शुरू हुआ। तो वहाँ पे मेरा हॉलीवुड पीलिंग हुआ, देन हॉलीवुड पीलिंग हुआ, उसके बाद मेरा वहाँ पे भी पीआरपी हुआ। सो वहाँ पे जो पीआरपी हुआ, तो वहाँ पे थोड़ा सा और एक्सपेंसिव था, क्योंकि कोलकाता का वन ऑफ द बेस्ट क्लिनिक है, और यहाँ पे कोलकाता में जो टॉलीवुड है, जो बांग्ला इंडस्ट्री है, सारे एक्ट्रेस वहाँ पे जाते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। सो मैंने फिर भी मैंने करवा लिया, तो वहाँ पे मैंने करवाया, एंड वहाँ पे करवा के मुझे अच्छा लगा, बिकॉज मुझे रिजल्ट मिला। तो वहाँ पे मुझे कुछ ना करके 30% रिजल्ट दिखने मिला, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मेरा वैसे कुछ हो नहीं रहा था, ठीक नहीं हो रहा था। एंड ओवरऑल जैसे 5%, 6% ये करते करते 30% गया, एंड मुझे जब अच्छा लगा, सो मैंने और एक सीटिंग ले लिया। मैंने और एक सीटिंग्स, मैंने पूरा सिक्स नहीं लिया, क्योंकि सिक्स सीटिंग का तो ऑलरेडी फाइव मैंने दे दिया था, तो मैंने सिक्स सीटिंग लिया। तो और मैंने थ्री सीटिंग एक्स्ट्रा लेने के बाद क्वाइट हैप्पी, मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई, क्योंकि मैं रिजल्ट से सच में खुश हुई। एंड डॉक्टर ने फिर मुझे बोला कि मुझे क्या क्या करना चाहिए। पहला तो आपको जब ये सारे जब ट्रीटमेंट होता है, तो यहाँ का जो स्किन जो डेड हो जाता है, वो एक्टिव हो जाता है, तो उस टाइम अगर कुछ करोगे आप, वो काम करते। तो डॉक्टर तो मेडिसिन दे रहे थे, मेडिसिन अप्लाई कर रही थी, सनस्क्रीन, मॉइस्चराइजर, फिर यहाँ का हीलिंग के लिए मेडिसिन गोल गोल लगा के मैं छोड़ देती थी, वो कैप्सूल वाइज मेडिसिन आता था, तो वो रेशियो करके लगाना होता था, तो जस्ट वो मेडिकेटेड पूरा होता है, तो वो मैं लगा के छोड़ देती थी। तो बहुत हद तक मुझे हेल्प मिला, बहुत अच्छा मुझे रिजल्ट भी मिला है, एंड मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई कि चलो ठीक है, पैसा तो जा रहा है, बट रिजल्ट अगर दिखने मिल रहा है। और जो लोग एक्ने इस कार से जूझते हुए आ रहे हैं, उन लोगों को पता है इससे ज़्यादा पेनफुल और दुनिया में कुछ नहीं है, कुछ नहीं। अब मैंने कभी भी आज तक, मैं डस्की स्किन टोन हूँ, एंड मैंने अभी भी कभी भी मैंने ये नहीं सोचा कि मेरी स्किन कैसे ब्राइट करूँ, गोरा, फिर जो सारी चीज़ नॉर्मली लड़कियों के दिमाग में आता है, मेरा कभी नहीं आया। बिकॉज मेरा स्किन टोन से मुझे बहुत प्यार है, बिकॉज मेरा मम्मी पापा भी डस्की स्किन टोन है, एंड आई लव डस्की स्किन टोन पर्सन। सो यस, मुझे डस्की स्किन टोन से कभी कुछ प्रॉब्लम नहीं होता, मुझे हमेशा से यही चाहता, मुझे क्लियर एक स्किन चाहिए, जो कि मुझे बहुत मुश्किल से मिला है अभी, टच वुड। सो मैंने बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत किया। फिर मैंने अपना लाइफ स्टाइल पर, मतलब ये सारे ट्रीटमेंट तो मैं कर ही रही थी, उसके साथ साथ, एक मिनट, कौन आ रहा है यार बाइक पे? यस गाइज, सो ट्रीटमेंट तो इतना सारा मैंने ट्रीटमेंट कर लिया, तो आप लोग खुद जोड़ लो कि कितना क्या हुआ है। पहले 5 लगा, फिर 35 मैं इतना सारा पैसा खर्चा होने के बाद मुझे रिजल्ट मिला है, वो है मेरा ये स्किन। तो बिफोर में मेरा ये स्किन था, एंड आफ्टर में मैं यहाँ पे हूँ। बट अभी मैं एक चीज़ बता दूँ आपको, अगर कोई डॉक्टर भी बोल रहा है कि आपका 100% चला जाएगा, सो गाइस झूठ बोल रहा है, ऐसा नहीं होता है। आपका आप सोचो ना, एक कांच का गिलास है, एक बार तोड़ देते हो किसी भी चीज़ से कीमती गम से उसको लगा दो, हल्का सा क्रैक रहता है, वैसे ही हमारे स्किन एक बार खड्डा हो गया है, तो उसको कोई भी सीमेंट लगा के उसको पहले जैसा नहीं कर सकते, और सीमेंट फिल नहीं करता है ये खड्डा को, इतना मतलब पेनफुल रहता है। जो एनीवेज एकदम से नहीं गया है, मैं अभी भी बता रही हूँ, इतना सारा पैसा खर्चा करने के बाद, इतना सारा ट्रीटमेंट लेने के बाद, अभी भी मेरा 80% ठीक हुआ है, 80%, 20% मे बी
कभी नहीं होगा और मैं होप भी नहीं करती, क्योंकि मैं अभी हैप्पी हूँ, मैं अभी सबके साथ बैठ के बात कर सकती हूँ, गैदरिंग में जा सकती हूँ, सब कुछ कर सकती हूँ, क्योंकि अभी मेरा फेस में दिखता नहीं है खट्टा खट्टा, दूर से भी नहीं दिखता है। मैं 20% इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि क्योंकि एकदम से पहले जैसे यहाँ का मेरा स्किन है तो एकदम स्मूथ तो नहीं हो सकता, इसलिए 20% देख रही हूँ, बोल रही हूँ। बट मेरे मतलब मेरे जो आसपास के लोग हैं जो मुझे बचपन से देखते आए हैं, वो लोग तो यही बोलते हैं कि तेरा तो पूरा ठीक हो गया, मतलब 90% ठीक हो गया, पर मैं 20% पकड़ के इसलिए रखती हूँ कि नहीं, पहले जैसा तो नहीं होगा। ज़्यादा होप किसी चीज़ के लिए लगाना नहीं चाहिए। सो गाइस, मेरा एक्ने इसका ठीक हुआ है ओनली ऑन ट्रीटमेंट से, वो है क्लिनिक ट्रीटमेंट जो डॉक्टर करते हैं, ना कोई फेस पैक से, ना कोई फेस क्रीम से, ना मॉइस्चराइजर से, ना सनस्क्रीन से, नथिंग, कुछ भी वर्क नहीं करता है। क्योंकि यहाँ का कोलेजन को आपको अच्छे से कोलेजन बूस्ट होगा और यहाँ का कोलेजन आपका काम करेगा तभी जाके ये सारी चीज़ होता है, ये डॉक्टर ही सारी चीज़ कर सकते हैं जहाँ पे ट्रीटमेंट होता है। तो आपको एक्ने इसका अगर ठीक करना है तो बहुत पैसा का ज़रूरत है और ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, और क्या क्या ट्रीटमेंट मैंने करवाया वो तो मैंने बोला। अभी भी मेरा एक्ने स्कार का ट्रीटमेंट चल रहा है, वो है कार्बन ट्रीटमेंट। तो गाइस, अभी कार्बन पीलिंग बहुत ज़्यादा हाइप में है और बहुत अच्छा रिजल्ट भी देता है। तो अभी मेरा एक्ने स्कार के लिए अभी मेरा ट्रीटमेंट शुरू मतलब चल रहा है, तो जो 80% मेरा ठीक हुआ है, तो थोड़ा सा इंसान हो लालचपन तो रहता ही है, मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा और ठीक हो जाए। इसके लिए मैंने अब मैं जब वीडियो बना रही हूँ, यूट्यूब कर रही हूँ, तो ऑलरेडी मैंने इसका मेरे चैनल पे ऑलरेडी वीडियो है तो मैंने शेयर किया है, तो ऑलरेडी मैं ये ट्रीटमेंट कर रही हूँ। तो अभी मेरा 3/4 ट्रीटमेंट हो गया है और एक बारी में जब 6 सिटिंग मेरा हो जाएगा उसके बाद मैं कंबाइन करके वीडियो डालूंगी। अभी मैं पार्ट 1 पार्ट 2 ये सब करके नहीं डाल रही हूँ, मैं सारी क्लिप्स रख रही हूँ ताकि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि ये जो कार्बन फेशियल पीलिंग है, कार्बन फोटो फेशियल जो है, तो इससे कितना हेल्प मिल रहा है मेरे एक्ने स्कार के लिए। सो गाइस, ये मेरा जो एक्ने स्कार को जो जर्नी रहा है ये ठीक, तो एक्ने स्कार पूरी तरीके से 100% ठीक नहीं होता है, 80% to 90% ऑफकोर्स होता है। एंड मेरा जो एक्ने स्कार का जो जर्नी रहा है उसमें से मैंने बहुत कुछ लर्न भी किया है, जैसे कि मैंने बहुत कुछ सीखा भी है, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मैंने अपना लाइफस्टाइल पे बहुत मेहनत किया है। आज मैंने जो अपना पर्सनालिटी जो मैंने बनाया है बिकॉज ऑफ माय हेल्दी लाइफस्टाइल, मैंने अपना डाइट पे, मैंने अपना काम तो चलो ठीक है, काम वाम हो सब तो पड़ जाओ, मैं ओवरऑल मैंने अपने हेल्थ पे, डाइट पे, वर्कआउट पे, हर एक चीज़ में बहुत ज़्यादा फोकस किया है, एंड जिसके कारण मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प भी मिला है। क्योंकि कोलेजन जो है वो सारे चीज़ तो चलो ठीक है, ट्रीटमेंट कर रहे हो यहाँ का तो ये कर, पूरा फुल बॉडी का इंटरनल भी बहुत सारा ट्रीटमेंट जो होता है जो हम लोग घर पे ही करते हैं ओनली फूड एंड डाइट से, तो वो सारी चीज़ में मैंने किया है। और मैंने अपने ये सारे जो मेरा जर्नी चल रहा था, चाहे मेरा एक्ने जर्नी रहा या फिर एक्ने स्कार का जर्नी रहा, जो मैंने डाइट फॉलो किया है जिससे मेरा बहुत ज़्यादा हेल्प किया है इंटरनली, सो वो डाइट मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड किया है, आप लोग जाके ज़रूर चेकआउट कीजिए। मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन में भी दे दूंगी, आप लोग उसको ज़रूर फॉलो करें एंड बहुत अच्छा आप लोगों को रिजल्ट मिलेगा। एंड गाइस, एक ही चीज़ मैं बोलना चाहूँगी जाते जाते टाइम, क्योंकि अब वीडियो ख़त्म होने वाला है, यही कि कभी लाइफ में होप मत छोड़ो, सब कुछ होता है पैसे से, ये रियलिटी है। यस गाइस, ये रियलिटी है, और मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया है कि मैंने क्या क्या ट्रीटमेंट करके ही मेरा ठीक हुआ है, अदरवाइज कोई क्रीम से नहीं हुआ है। एंड अब जब मैं ट्रीटमेंट कर रही हूँ एंड इस टाइम अगर मैं कुछ अप्लाई करूँगी तो वो वर्क करेगा। एंड अभी जो मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है अभी भी, तो मैं एक चीज़ यूज़ कर रही हूँ वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, वो है मैं ये सीरम यूज़ कर रही हूँ, नियासरामाइन सीरम, ये मैं यूज़ कर रही हूँ। इसका आपका एक्ने स्कार और ओपन पोर्स में बहुत अच्छा काम करता है, एक्ने स्कार में काम करता है, बट अभी
इसका रिजल्ट तो मैं कुछ नहीं बोलूंगी क्योंकि जस्ट मैंने शुरू किया है, तो जस्ट मैंने शुरू किया है, ये एक बॉटल भी अभी ख़त्म नहीं हुआ है। जब तक ये ख़त्म नहीं होता तब तक मैं कुछ बोल नहीं सकती इसके बारे में। सो होप सो मुझे अच्छा रिजल्ट दे एंड आप अच्छा मॉइस्चराइजर अप्लाई करें, सनस्क्रीन अप्लाई करें एंड अपना डाइट पे ध्यान रखें, तो आप लोगों को भी हेल्प मिलेगी। और जिस जिसका एक्ने स्कार है, फेस पैक और फेस क्रीम जो मार्केट में अभी दिख रहे हो या फिर कोई भी वीडियो में देखते हो, ये सारे चीज़ से टाइम वेस्ट करने से अच्छा है अच्छा डॉक्टर के पास जाओ, ट्रीटमेंट कराओ, आपका एक्ने इसका ठीक हो जाएगा। एंड क्योंकि मैंने ये सारे चीज़ में बहुत टाइम वेस्ट किया है, सो फॉर माय पर्सनल एक्सपीरियंस जर्नी तो मैं आप लोगों को बोल रही हूँ। उस टाइम मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था, मुझे पता नहीं था, बट अभी जब मुझे पता है और मैं यूट्यूब कर रही हूँ, सो मैं आप लोगों को अपना चीज़ें बोल रही हूँ कि ये सारी चीज़ से कुछ होता नहीं है। सो आई होप आप लोगों को आज का वीडियो देख के हेल्प मिला होगा एक्ने स्कार के लिए, जो इतना परेशान रहते हम सब लोग, तो उससे थोड़ा बहुत आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए और फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर किसी किसी को हाल ही में एक्ने हुआ है, एक्ने स्कार हुआ है, जल्दी से जाओ, अगर जॉब करते हो तो अपने पैसे से करा लो, नहीं करते तो मम्मी पापा को बोलो कि मतलब तुमको हेल्प करे, मम्मी पापा को बोलो। और अगर आपको ज़्यादा पुराना भी नहीं है ना, तो आपका फर्स्ट सिटिंग में भी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, जो मुझे स्लो मिला है बिकॉज मेरा बहुत ज़्यादा ओल्ड हो गया था, पुराना हो गया था इसीलिए। गाइस आज का वीडियो, आई होप आप लोगों को बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिला है, हेल्प मिलेगा आप लोगों को। सो वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड मुझे ढेर सारा प्यार दीजिए। फिर आप लोगों से मैं मिलूंगी मेरा नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारा इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, बाय।